तो सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरगिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, हमारे चैनल की गलबात बड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि तब हमें वीडियोस की डिमांड आने लगी है। तो किसी एक व्यक्ति ने हमारी किसी वीडियो पर कमेंट किया है कि बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड इन 10,000 के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि 10,000 रुपीज के अंदर सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होगा और उससे आप क्या अच्छी अच्छी गेम जैसे कि GTA 5 खेल सकते हो या फिर नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10,000 रुपीज के अंदर मैंने 4 ग्राफिक्स कार्ड चूज किए हैं, जिनमें से फोर्थ नंबर पर आता है पावर कलर AXRX 550 कार्ड। तो इस कार्ड की हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इस कार्ड के अंदर हमें 4GB की GDDR5 मेमोरी देखने को मिलती है और साथ ही में इसकी पावर कंजप्शन है 400 वॉट्स की। तो पावर कंजप्शन इसकी थोड़ी ज्यादा है लेकिन 8K ये सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छा कार्ड है। तो अब बात करते हैं मल्टी डिस्प्लेस की। तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 3 डिस्प्लेस अटैच कर सकते हैं, यानी कि हम 3 मॉनिटर कंप्यूटर सेटअप कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड आता है गीगाबाइट का RX 550 ग्राफिक्स कार्ड। तो इसके अंदर हमें 2GB की GDDR5 रैम देखने को मिलती है और अगर हम बात करते हैं इसकी रेजोल्यूशन की तो इसके अंदर भी हमें 8K देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन की तो ये भी 8K को सपोर्ट करता है और अगर हम मल्टीपल डिस्प्लेस की बात करें तो ये भी 3 डिस्प्लेस को सपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं पावर कंजप्शन की तो ये भी 400 वॉट्स का है। तो अब बात आती है कि मैंने इसे थर्ड नंबर पे क्यों रखा है। तो थर्ड नंबर पर इसे रखने का ये रीजन है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसके अंदर जो CPU लगा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्थ नंबर वाले ग्राफिक्स कार्ड से थोड़ी ज्यादा है। तो सेकंड नंबर पर जो आता है उसका नाम है Zotac Navidea GT1030। तो इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हमें 2GB GDDR5 रैम देखने को मिलती है और अगर हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन की तो ये 4K को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों पिछले ग्राफिक्स कार्ड से इसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी कम है लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है वो इसकी कम है। तो इसकी पावर कंजप्शन हमें 300 वॉट्स की देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इसका सेकंड नंबर पे आने का वही सेम रीजन है, क्लॉक स्पीड, यानी कि इसके अंदर जो CPU लगा है उसकी क्लॉक स्पीड जो थर्ड नंबर पर ग्राफिक्स कार्ड है उससे भी ज्यादा है। तो फर्स्ट नंबर पर ग्राफिक्स कार्ड हमारा आता है Zotac GTX 1050 Ti OC एडिशन। तो इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर क्या खास बात है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन के बारे में। तो रेजोल्यूशन इसकी हमें देखने को मिलती है 8K। तो इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती है 4GB GDDR5 रैम। तो अगर बात करते हैं हम मल्टीपल डिस्प्लेस की तो इसके अंदर भी हम मैक्सिमम 3 डिस्प्लेस लगा सकते हैं और इसकी पावर कंजप्शन है 300 वॉट्स। तो इसके अंदर रेजोल्यूशन भी टॉप की है और इसके अंदर पावर कंजप्शन भी काफी कम है, इसके अंदर जो क्लॉक स्पीड है वो भी काफी अच्छी है। तो अब बात करते हैं हम गेमिंग की और वीडियो एडिटिंग की। तो देखिए दोस्तों, गेमिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं GTA 5 की तो GTA 5 आप आराम से इन सभी ग्राफिक्स कार्ड के साथ खेल सकते हो, बिल्कुल आराम से। आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इनके अंदर अगर चूज करोगे तो आप GTA 5 आराम से खेल सकते हो। और अगर बात करते हैं PUBG की जो कि PC एडिशन है या फिर कोई भी और इसके रिलेटेड जितनी इस लेवल की गेम्स हैं, आप आराम से इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ खेल सकते हो। तो अगर बात करते हैं हम वीडियो एडिटिंग की तो इन ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 1080p तक कर सकते हो। 4K आपको दिक्कत काफी आ सकती है इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करने में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल चुका होगा कि 10,000 रुपीज के अंदर कौन सा बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियो चलाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।